3.5% ब्राह्मण हैं तो 3.5% ब्राह्मणों को 50% नहीं छोड़ा जा सकता। आप लोग अपनी जातियों की गिनती करवाओ और गिनती के अनुपात में हिस्सेदारी लो तो हमारे बाप का क्या जाएगा? अगर जाएगा तो ब्राह्मण के बाप का जाएगा, तो साले जाने दो, हमारे बाप का तो नहीं जाएगा, हमारे हिस्से का तो नहीं जाएगा। अगर ब्राह्मण के हिस्से का जाकर ब्राह्मण थोड़ा कमजोर हो जाता है तो हम लोगों को ब्राह्मण को देश में कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का मुकाबला करना होगा। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 200 साल में अंग्रेज छोड़कर चला गया, ये 2000 साल से जमा हुआ है, ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 3.5 हजार ब्राह्मणों ने आपके गुजरात में भूज में मेरे विरोध में मोर्चा निकाला और कलेक्टर को निवेदन किया कि वामन मेश्राम को कच्छ में और भुज में मत आने दो। उसके बाप का राज है क्या वो 3.5 हजार ब्राह्मणों के? इस देश में संविधान लागू है, उसके बाप का लिखा हुआ नहीं है ब्राह्मणों के बाप का। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का लिखा हुआ है, और संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने का, संगठन का प्रचार करने का, प्रसार करने का और भाषण करने का, संभाषण करने का, ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मेरे बाप ने मुझे दिया, उसके बाप ने मुझे नहीं दिया। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? वो इसकी मैं रोकने वाला नहीं, ब्रह्मा मुझे नहीं रोक सकता, ब्राह्मण क्या रोक लेगा भाई? अगर ब्रह्मा अवतार लेगा तो मुझे नहीं रोक सकता, ब्राह्मण की क्या औकात है? इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे डराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे हैं, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें, और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमोदय जय भी।